सलूक करना है। इम्मा या बलुगन
वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु इबादत के लायक अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है। वबिल वालिदैनि एहसाना अल्लाह फरमाते ने जिथे मैं तुम्हें इबादत का हुक्म दे रहा नाल ही मैं तुम्हें एवी हुक्म दे रहा कि अपने वालिदैन के नाल नेकियां करनिया ने वालिदैन के नाल हुस्न सलूक करना है वालिदैन के नाल एहसान करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल की बरा अहदुहुमा मेरे अल्लाह फरमाते ने जो इन्हों दोनों के बिचों कोई एक भी बढ़ापे को पहुंच जाता है कमजोरी आ जाती है उन्हें एदे उत्ते जिदू कमजोरी आ गई है एदी औलाद इन्हू चाहिए कि अपने वालिदैन नू उफ तक भी ना आखे। एक तो होंगे ना चिड़कना मेरे अल्लाह फरमाते ने उफ उफ का मतलब है कि भाई आ क्यों किया रे अब्बा जी मेरे अल्लाह फरमाते ने तेनू उफ कहने का भी हुक्म नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह का कुरान की ऐलान फरमा रहे दूसरे मुकाम पे अल्लाह का कुरान है अल्लाह फरमाते ने वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह की इबादत करनी है ते ओदे नाल किसी नु शरीक नहीं करना शैया थोड़ा जिहा भी शरीक नहीं करना वबिल वालिदैन एहसाना। मेरे अल्लाह फरमाते ने अपने वालिदैन दे नाल एहसान करना वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करना। अल्लाहु अकबर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु तआला अन्हु नबी दे सहाबी ने इन्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा ए सवाल करदे ने अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह ए मेरे ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेनू ए दसो के सारे नालो अमल जेड़ा अच्छा है ना अल्लाह दे हां ओ केड़ा है। मेरे आका करीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा वक्त दे नाल टाइम दे नाल नमाज अदा करनी। काला थुम्मा अय्युम सहाबियां ने सोने इस तो बाद दस देना इस तो बाद जरा सब तो अच्छा अमल है सब तो प्यारा अमल है जरा रब नु अच्छा लगदा होए। मेरे आका फरमांदे ने दूसरे नंबर ते बिरुल वालिदैन मेरे आका फरमांदे ने अपने वालिदैन दे नाल नेकी करना है ए दूसरा अमल ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नु ए भी बड़ा ही प्यारा लगदा है। काला थुम्मा अय्युन काला अल जिहाद फी सबीलिल्लाह तीसरे नंबर ते मेरे आका इरशाद फरमांदे ने जिहाद फी सबीलिल्लाह करना ए तीसरे नंबर ते मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए तीन अमल बड़े ही अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हां महबूब ने। अल्लाहु अकबर आओ नजर तवज्जो फरमाओ मेरे आका करीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरे रिज़्क दे विच इज़ाफा कर दिता जाए मेरे माल दे अंदर इज़ाफा कर दिता जाए मेरी उम्र दे अंदर इज़ाफा कर दिता जाए मेरे आका फरमांदे ने उन्हों चाहिए कि अपने वालिदैन दे नाल सिला अपने वालिदैन दे नाल नेकियां करे अपने वालिदैन दी खिदमत करे अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदी उम्र भी वधा देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन माल जान दे विच भी बरकतां पा देंगे। दूसरे नंबर ते मेरे आका फरमांदे ने वल्यसिल रहिमहू ते सिला रहमी करनी है सिला रहमी जोड़नी है सिला रहमी तोड़नी नहीं। अल्लाहु अकबर आओ नजर तवज्जो फरमाओ मेरे आका करीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां दी शान क्यों बयान कर दी है और मैं बयान करा की बयान हुई
मैं बयान करा की बयान करनी हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान बयान कर रहे हैं, मेरे आका करीम दी सच्ची जुबान बयान कर रही है। मेरे आका दे कोल आन वाला आया, मेरे आका नु आके पुछदा सोनिया ते दसोना सब तो ज्यादा हकदार जरा ना बेहुसन सहाबती, मैं सब तो ज्यादा हुसन सलूक कि चंगा रखा। मेरे आका फरमाते ने सब तो पहला तेरी मां का हक बनता है, कि हक बनता है तेरी मां का। अल्लाह अकबर, इस तो मुराद की है बंदा घर दे विच बड़ा औखा बोलता है, बहुत ही आवाजाड़ी दे नाल मां दे नाल गल करता है, लेकिन बाहर जाता दोस्तों के नाल बड़िया मिठिया गुफ्तगुआं करता पिया। अजकल तो रिवाज उल्ट बन चुके, दोस्तों यार मिठिया गुफ्तगुआं बन गई ने, लेकिन मां दे नाल गुफ्तगु घोड़िया बन गई ने। मेरे आका फरमाते ने पहला हक जरा सब तो पहले नंबर ते अच्छा सलूक करन दा हक के, मिठी जुबान बोलन दा हक के, ते ओ तेरी मां दा सहाबी अर्ज करदा है। दूसरे नंबर ते सोने मैं दसोना, दूसरे नंबर ते सब तो ज्यादा अच्छा सलूक मैं किदे नाल करा, मेरे आका फरमाते ने उम्मुका अपनी मां वालिदा दे नाल सब तो ज्यादा हुस्न सलूक कर। तीसरी दफा भी अही अल्फाज दोहरा दिते ने उम्मुका, तीसरी दफा भी मेरे आका ने फरमाया तेरी मां दा हक है, यानी कि तीन हक दिते ने मां नूं कि मां दे नाल कदी भी मंदा बोलना नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, हुण चौथी दफा जो पुछ लैन, अल्लाह अकबर, चौथी दफा जो पुछिया ते मेरे आका फरमाते ने अबूगा फिर तेरे बाप दा हक है। उन्हें दा मतलब है हरगे दे नहीं लिया जाएगा कि बाप दी शान नहीं, बाप दी शान रब ने अपनी जगह रखी है, मां दा रुतबा अपनी जगह रखिया है। मेरे आका करीम ने तीन हक पहले जरे ना मां नु दिते ने कि सारे ना ज्यादा हुसने सलूक तू किदे नाल करना है, मां दे नाल करना है। अल्लाह अकबर, क्योंकि मां जदी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते ने फलजमा फइनल जन्नता तहता विच लईहा, मेरे आका फरमाते ने जेरी मां आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी मां जेरी बना दिती है ओदे कदमां दे थल्ले रब ने जन्नत रख दिती है। अल्लाह अकबर, ते जेड़ा बाप है ना बाप, मेरे आका फरमाते ने ओ जन्नत दा दरवाजा है, ते जे ते बाप नु भी नाराज कर लिया, एक एक साइड नु राजी है दूसरी साइड नु राजी नहीं, ते मेरे आका फरमाते ने बाप दरवाजा ते दरवाजे दे विचू ना के अंदर जाना, सो जो दरवाजे ते गेट पास ही नहीं लभना ते फिर किवें अंदर जाएगा, जन्नत दे विच जा ही नहीं सकेगा। अल्लाहू अकबर, मेरे आका करीम अरशाद फरमाते ने एक सहाबी आने वाला आके पुछदा है सोनिया मैनू दसो कि जरा ना औलाद के उत्ते की हक है, मेरे आका फरमाते ने वालिदैन का औलाद के उत्ते है हक है, वह जन्नत का व नार का, मेरे आका फरमाते ने को तेरे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुजूर दुआ करो अल्लाह सानू मां बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कुरान के ऐलान फरमाया रहा है वक्फिद लहुमा जनाहतुल मिनर रहमा वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक दफा ना एक आदमी सत उन्हें अपनी मां नु हज कराए ने, सत हज करा के लेटिया पिया ते सोचदा पिया आखदा पिया है कि हुण मां दा हक अदा हो गया हैगा, लेकिन आवाज आई अरशा तो आवाज आई तू हक अदा करन दी गल करन रिहा, जिहड़े तेरी मां तकलीफा सहंदी रही सी उन्हें जिहड़ा ठंडा होगा भरिया सी ना ते उहदा भी हक अदा नहीं होया। अल्लाहु अकबर, मां दा हक कोई मामूली हक नहीं, याद रखो आखन वाला की आंदा। अल्लाहु अकबर,
मेरे आका करीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां दा बड़ा हक दसिया। मेरे आका करीम फरमांदे ने, मेरे आका दे अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सब तो ज्यादा किदा हक के तेन हक भी दिते हन, अपनी मां नु, यानी कि मां नु दिते सन, ते चौथा हक के दिता बाप नु दिता है। अल्लाहु अकबर। इमाम इब्न तैमिया, इमाम साहब ने ते लोगों ने पूछा, इमाम साहब तुसी छाते नहीं जाते, मकान की छाते उत्ते नहीं जाते? इमाम साहब कह लगे, थले घर दे विच मेरी मां है, मैनू डर आता है कि कितने रब मेरे तो नाराज ना हो जाए, मैं मां तो उत्ते ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। मां की शान और मुकाम इस अजमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बनाई है। जेते मां दुआ कर देवे, अल्लाहु अकबर, मां दी दुआ कदी रात न जे जांदी, मां दी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जाया नहीं जे कर दे। आओ नजरत वजो फरमाओ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दी जेड़ी आवाज़ां सन, इमाम बुखारी अला बचपन दे अंदर ने इन्हां दी अखां दी बिनाई चली जांदी है। ढाई फिट बुखार हो गया वे, ढाई फिट बुखार होने की वजह करके इन्हां दी अखां दी रोशनाई चली गई है, ये वेख नहीं सकदे। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी दी वालिदा रात दी तारीखी हो जाती, रब दे सामने खड़िया हो जांदियां ने। पहला दिन गुजरिया, खड़िया हो गई, क्योंकि रब दे सामने जो बंदा आ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अरशाद फरमाते ने, अल्लाह फरमाते ने, आज मंग लै जो कुछ जाना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, क्यों बूहे गैरा दे क्यों जाना है, पर ला इलाहा इल्लल्लाह, जी अल्लाह जी असि तुहाडे कोल आ गए हां, हुण सानूं कोई चीज भी लैके आ दी लोड़ पेगी के नहीं, अल्लाह जी ने ते दसो ना आन दा खर्चा लगेगा या नहीं। अल्लाह फरमांदे ने, खाली हाथ आवे चोली पर देवा, तेनु माल औलाद मजर देवा, तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने, बंदा आखदा अल्लाह असीं तैनूं लभीए ते लभीए किथे? अल्लाह फरमांदे ने, मैनूं लभ ना फिरे बेअबाने अंदर, मैं तो वसना हाँ तेरी जाने अंदर, जरा वेख ते मार ध्यान अंदर, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी दी वालदा खड़िया हो गई ने, रब दे सामने दुआ दे हाथ उठा दिते ने, दुआ करन लगिया ने, अल्लाह दे कोल कहदिया ने, ऐ अल्लाह मैं तेरे कोल पुत्र मंगिया सी, एदियां ते अखां ही चलिया गईयां ने, मैं दीन दे राह दे विच वक्फ करना है, ऐ अल्लाह हुण एदे वास्ते मुश्किलां मुसीबतां बन गईयां ने। मां एक दिन दुआ करदी है, दो दिन करदी है, एक हफ्ता लंघिया, दो हफ्ता के एक महीना लंघिया, हत्ता के लंघदिया लंघदिया गुजरदिया गुजरदिया दो साल करीब हुण आ गए ने। मां दा दिल आखर सोचदा, ऐ अल्लाह सोनिया तेरे दरबार दे विच ते कोई कमी नहीं, ऐ अल्लाह मैनू आए दस दे जे तेरे जे मेरे मां बुखारी को, मेरे इमाम बुखारी वास्ते, मेरे मोहम्मद बिन इस्माइल वास्ते, ऐ अल्लाह तेरे कोल अखियां नहीं ते मैनू जवाब भी दे दे। अल्लाहु अकबर। फिर जो सुतिया ना इमाम बुखारी की वालदा सुतिया ख्वाब के अंदर, जदुल अंबिया 18,000 पैगंबर के बाप ख्वाब के अंदर मिले, तो कह लगे अल्लाह दी बंदीए तू ते एवें दिल तेरा उगता आ गया, उसके दरबार के बिच कमी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। जा उठ के वे तेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अखियां अता कर दी। अल्लाहु अकबर। सुबह हुंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी कुदरत दे नाल इमाम बुखारी दी वालदा देखदियां ने कि अपने बेटे दियां अखियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुटा दित्तियां ने।
अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख ते लिखे है कि इमाम बुखारी जो लिखते होंगे सन ना जी चंद की रोशनी होंगी सी ना ओदी मदद की वजह करके भी वो लिख लिया करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बसीरत अता कर दी। अल्लाहु अकबर। मां की दुआ इना वेख लै मां की दुआ तार देंदी आ मां की दुआ तार देंदी है ते बद्दुआ मार देंदी है। अल्लाहु अकबर। हुन एक रब दा वली जे जुड़ै जा जाना जे इन्हों की वालदा आ जाए ने इन्हों के उजरे के खोल जो आ गई ने आके आवाजा दिखा ने भैया है जुड़ैद मेरी बात सुन मेरी गल सुन ते जुड़ैद अल्लाह का बली नमाज अदा कर रहे ने उन्हें एक तरफ है सोचते ने मेरी अल्लाह के नाल मुलाकात है दूसरी तरफ मेरी मां खड़ी है हूँ मैं रब के नाल राबता मंगते करा या अपनी मां दे नाल कलाम करा इन्ना अल्लाह दे नाल राबता जारी रखिया लेकिन मेरे आका अरशाद फरमाते ने मेरे आका फरमाते ने वालिदैन का इन्ना हक है तुहाडे उत्ते जे तुसी नफकी अदा कर रहे हो ना नमाज मेरे आका फरमाते ने तुसी नमाज तोड़ के उन्होंने जवाब दे। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये अल्लाह दे वली जुड़ा है। अल्लाहु अकबर। इन्ना एक दिन होया वालदा आ गई ने इन्हें गल नहीं सुनी दूसरा दिन होया इन्हें फिर नमाज नीति है इन्हें दूसरे दिन भी नहीं गल सुनी। अल्लाहु अकबर। तीसरे दिन भी ऐसा ही मामला हो गया है। अल्लाहु अकबर। जान लग्या हुण मां आखदी है पुत्तर तेरे नाल कुछ गल्लां करन आई सां तेरा चेहरा वेखन आई सां तू नमाज नीत के खड़ोता है जा मैं तेनू बद्दुआ देनी आं तेनू उदो तक मौत ही ना आवे जो तक किसी फाशा का औरत का मूँह ना देख लवे जो तक जिल्लत का मूँह ना देख लवे। अल्लाहु अकबर। तारीख दे विच मौजूद है ये अल्लाह का बली जुड़ैद नमाज अदा कर दिया होंगे मां की बद्दुआ एडी असर कर जाती है। लोग आए ने लोगों ने हुजरे को तोड़ दिता है लोग आखते ने एक तरफ से तू बात करना पिया तो सानू यह दस है तेरा बच्चा या कि बच्चा। अल्लाह भन त्रोड़ करके ना फिर लोग पुछया। अल्लाहु अकबर। जिदू पुछया ये पुछदा अल्लाह दा वली मैनू ए ते दसना मेरा जुर्म की है मेरी खता की है मेरी गलती की है ये अल्लाह दा वली पुछ रहा वे ते लोग कह लगे ए जरा बच्चा ना तेरा। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह दा वली खड़ा हो गया इन्हें वुजू किया इन्हें आखा तुम मैं दौर करता नमाज अदा कर लैन दो। अल्लाहु अकबर। दौर करता नमाज अदा कीतिया ने बच्चे दे सिर दे उत्ते हाथ रख दिता है बच्चे दे सिर दे हाथ रखन दे बाद ये आखदे अल्लाह दा वली आखदा है अल्लाह दे हुक्म दे नाल बच्चा इन्हां नूं दस हां तू बच्चा किदा है ये बच्चा जबाने हाल दे नाल बोल के आखदा मैं ते फलां बकरियां वाले दा बच्चा वां वो जरा जंगल दे विच बकरियां चरा रहे मैं ते उहदा बच्चा वां मैं तेरा बच्चा नहीं। अल्लाहु अकबर। जदों ये गल कीती इन्हां लोकां देखिया ये ते अल्लाह दा वली वाकई अल्लाह दा वली है इन्हां अगो इल्तजामा करनियां शुरू कर दित्तियां कहन लगे हजरत साहब जे ते तुसी आखो असी तुहाडा घर सोने ते चांदी दा बना दईए ये अल्लाह दे वली कहन लगा मैनू सोने चांदी दा नहीं मैनू पता लग गया मैनू जिहड़ी बद्दुआ लभी है ना वो मेरी मां दी लगी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने जे हजरत जुड़ैद दी वालदा जे अगर ऐ दुआ कर दिंदी है ना तुसी लदा मुंह वेख के मर जाए मेरे आका अपनी नबूवत तुहाडी जुबान तों कहंदे ने जिल्लत दा मुंह वेख के मर जांदा तौबा भी नसीब ना होंदी। अल्लाहु अकबर। मां दी बद्दुआ नूं मुंह नहीं समझदे हो। अल्लाहु अकबर। लोगां ने ना फिर वो आम जिस तरह बनया सी उस तरह बना दिता। अल्लाहु अकबर। हुण जिहड़ा बंदा अपने वालदैन दी खिदमत नहीं करदा अपने वालदैन नूं
ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਦਾ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦੁਖਿਆ ਸਾਨਾ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਬ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਲੂਕ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਓ ਨਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਮੂਸਾ ਤਕਲੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਤਜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਜ਼ੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਚਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਗਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਸਾਈਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵਖਫਿਦ ਲਹਮਾ ਜਨਾਹ ਦੁਲਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਂਦੇ ਇਮਾ ਅਹਦੁਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖਿਆਲ ਬੋਧਾ ਰੱਖਣਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੋਧਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਆਖਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਾਏ ਕੀ ਬਣਾਏ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਲਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਆ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਬਣਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੀਆ ਸੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਦੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ
मां की दुआ की कबूलियत लैनी चाहना, मां की दुआ का समर देखना चाहना, मां की दुआ का असर देखना चाहना। मेरे मीर सियाल इब्राहिम मीर सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट दे बड़े मशहूर आदम ने अल्लाहु अकबर। ये बच्चे ही सन अल्ला छोटे ही सन अल्लाहु अकबर। इन्हां दी मां ना एक दफा मस्जिद दे सेंध दे विच ना एक जिहड़ा खादम हुंदा असफाइयां करदे आ, इन्हां दी मां पुछण लगी कि अज तरावियां किन्ने पढ़ाणियां ने, रमजान का चन्न चढ़न वाला सी। अल्लाह अकबर पहला ही दिन ने अल्लाह अकबर। ये खादम जरा आखन लगा कि इतने जरा तरावियां पढ़ाने वास्ते काली साहब आ रहे ने, उन्हां दा नां इब्राहिम है। उन्हां दा नां की है? इब्राहिम। हुण इस माद दिन नूं दिल दे खलेजे नूं ना अल्लाह अल्लाह अकबर ये सोचण लगी मां कि मेरे बेटे दा नां भी ते इब्राहिम है, वो भी दिन ते होएगा कि मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बनेगा। अल्लाह अकबर। ए घर गईयां ने जो मीर इब्राहिम सियालकोट रहमतुल्लाह अलैह तक गल पहुंच गई है। ये आखदे ने मकान की छत ते चढ़े सन, ये थले आ गए, आके पुछदे ने ऐ मेरी मां मैनू दस हां तेरी की याद है, तुसी की आखदे हो? इन्हां दी वालदा कहण लगियां मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बने। अल्लाह अकबर। ते जी तू ऐनी गल सुनी ना मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, ये आखदे ने मां दा हुण दुआ करना तेरा काम है ते मेहनत करना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। रमजान दा चन्न चढ़ गया ना, पहले दिन होया पहला सपारा पढ़ा दिता है, दूसरे दिन दूसरा सपारा पढ़ा दिता है, तीसरे दिन तीसरा सपारा पढ़ा दिता है, चौथे दिन चौथा सपारा, हत्ता के त्री सपारे भी पढ़ा कते, ईद दा चन्न भी चढ़ गया, अल्लाह अकबर, ते सारा हिफ्ज भी मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर। दसना की जाना मादित वादा समरे। अल्लाह अकबर। जे जे भी ना यकीन आए, जे जे भी तेरे दिल दे विच मां दी जगह ना बने, आ नजर मैं तेनू लै चला, एक रब दा जरा वली है। अल्लाह अकबर। ए रब दा वली है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने हजरत उमर फारूक नु आख्या, क्या उमर तेरे जमाने ते जे अगर वो बंदा आया ना ते उदे कोल दुआ जरूर करवाई। अल्लाह अकबर। की करवाना है? दुआ जरूर करवाई। मेरे आका करीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम जिदु तबलीग वाद नसीहत, जिदु मेरे आका दी दावत हजरत अवैस करनी ते कन्ना दे विच पहुंच दी है। ए मां दे परे ताबेदार ने, मां दे परे खिदमत गुजार ने। अल्लाह अकबर। इन्हां दा दिल कीता कि मैं नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जाके कलमा पढ़ा, लेकिन इन्हां पैगाम कढ़िया कि मेरी मां दे कोल सोहणिया मेरे तो अलावा होर कोई भी नहीं, लिहाजा मैं आन तू ना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे आका करीम ने उन्हें सुनिया भेजा, मेरे आका करीम अरशाद फरमा लगे कि ऐ अल्लाह दे बंदे तेनू मेरे को आन की जरूरत नहीं, तू अपनी मां की खिदमत करी जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू मुकाम और शान अदा कर देंगे। अल्लाह हू अकबर। और मस्जिद के ते कुर्बान जावा मां दी खिदमत दे खातर। ये जरा बंदा इन सहाबी होता शरफ जरा ना नहीं हासिल किया, यानी सहाबी कौन है जिन्हें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत के विच दीदार किया हो, सहाबी उन्हें क्या जाता है। लेकिन इस बंदे ने सहाबी होने का शर्फ जरा ना हासिल नहीं सी किया। मेरे आका ने आख्या तू अपनी मां की खिदमत कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू अजर व सवाब अदा कर देंगे। मेरे आका की आखन की वजह करके वो सहाबी नबी के कोल आया नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अवैस करने नूं शान और मुकाम अता कर दी है। मेरे आका फरमाते ने
ऐ उमर जगर वो बंदे दे नाल तेरी मुलाकात हो जाए तो ओदे कोल दुआ आदमी करवाई। अल्लाह अकबर। एक दफा ना हज या उमरा करन वास्ते कुछ लोग आए करन दे लागे तो ते हजरत उमर फरूक नु पता चलिया, हजरत उमर फरूक नु तलाश जानी सी ना जिस बंदे दी। हजरत उमर फरूक कह लगे अगर वो बंदा लभे ते मैनू लाजमी इतला दे आ दे। बिल आखर वो बंदा मिल गया। की होया? वो बंदा मिल गया। अल्लाहु अकबर। वो बंदा जदो मिलया ओदी कफियत की है? वो बंदा हांडी पकान लिया। ए तू पता लगा बंदा घर दे काम आप कर ले कोई हाड़े च नहीं, क्योंकि मेरे आका करीम भी घर दे काम अपनी बीवियां दे नाल मिल के करया करदे सन। हुण इस ए जिहड़ा अल्लाह दा बंदा है ना, अल्लाह दा वली, ए हांडी पका रहा ते हजरत उमर फरूक जिहड़ा ना तशरीफ लै के आन लगे ने ते सहाबा इकराम जिहड़े ना आखदे ने ए उमर तुसी हुकमरान, तुसी इत्थे ही रहो, असीं उहनां नूं लै के तुहाडे कोल आने आ। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फरूक बयान फरमांदे ने आखदे ने मैं ओदे कोल क्यों ना जावां अज दी शान और मुकाम दे चर्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नबी ने आप कर दिते ने। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला ने खुद आप चढ़ के उस बंदे कोल गए ने ते जाके की आखदे ने ऐ वैस करनी तेरे बारे च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिता सी कि तू जो भी दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हां कबूल होएगी, अल्लाह दे हां मंजूर होएगी, अल्लाह तेरी दुआ रद्द नहीं करेंगे। मैं उमर दुआ करवाने चाहना ते मैं सदके जावा उमर दुआ की करवान लगे ने। हजरत उमर कहंदे ने ऐ वाइस करनी जी मेरे लिए दुआ कर दियो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर दे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाहू अकबर। ते हजरत उमर फरूक दी सवाब नेकियां पता किनियां ने? हजरत उमर फरूक दियां नेकियां एक दफा हजरत आयशा पूछदियां ने कि अल्लाह दे रसूल दसो आसान ते जिहड़े सतारे ने इहदे जिन्नियां कितियां नेकियां होणगियां? ते मेरे आका फरमांदे ने ऐतियां नेकियां हजरत उमर फरूक दियां ने। अल्लाहू अकबर। लेकिन इनिया नेकियां के बावजूद जन्नत के सर्टिफिकेट के बावजूद की दुआ करवा रहे हैं कि मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाहु अकबर। आओ नजर तवज्जो फरमाओ मां दा रिश्ता है पोत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करीब बना दिता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां दा रिश्ता दिल दे नाल बहुत करीब बना दिता है। हुण इत्थे अल्लाह ना करे किसी दी वाद है इस दुनिया फाने तू चलिया चली जाए, जिहड़ियां जिंदा ने अल्लाह जिंदगी अता करे, अल्लाह बरकत अता कर दे। अल्लाह जिहड़ियां चलिया गईयां ने मैं दुआ करना है अल्लाह उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस ते दाखल अता कर दे। अल्लाहू अकबर। मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दी जिहड़ी वादा सन ना, अल्लाहू अकबर, मेरे आका ने वादा दा की शान दस्या। एक दफा ना मेरे आका दी वालदा माजदा ना मक्का है ना मदीना है, मक्कियों जा रही ने मदीने दे विच ते रास्ते दे विच ने, रास्ते दे विच तबीयत खराब हो गई है। उन मक्के भी नहीं जा सकते, मदीने भी नहीं जा सकते। मेरे आका करीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है, 6 साल की उम्र है ते मेरे आका दी वालदा अबू आला में मुकाम है ते मेरे आका दी वालदा उत्थे जेड़ा ना तबीयत उन्हां दी खराब हो जाती है ते आखन वाला तर्जमानी इस तरह कर दिंदा मक्का दूर ते दूर मदीना खशा खबर ना कोई विच परदेस मुकद्दर वाली बात बराबर होई आ गया वक्त जुदाइया वाला दर्द हिंजो जारी मैयत कोल अकेला रोवे छम छम आंसू जारी एक मा
अपनु अल्लम हाला विच परदेसा क्यों आया वक्त जुदाया वाला। अल्लाहु अकबर। ये वक्त आ गया वे हजरत मां आमना बीबी मां आमना सलाम अल्लाह अलैहा ए जुदाइयां ते जांदियां ने। अल्लाहु अकबर। अगे की शायर आखदा वेख पई यतीम नबी नूं लगियां होन जुदाइयां छम छम हंजो बाहर आया छम छम हंजो बाहर आया पाता दर्द सुनाया। हजरते बीबी आमना सलाम अल्लाह अलैहा अपने बेटे नु अपने सीने दे नाल लागे की आखदियां ने आखरे वसीता करन लगियां ने आखदियां ने उमर तेरी विच बरकत होवे बहुत दुआ फरमाई वेखना गया बाबर तेनो ते डोड़ चली हुन माई वेखना असा नसीब ना होया तेरा बख्त बुलंद सितारा वेखना गया तेरी सूरत तेरा बाप प्यारा दर्द हंजो बाहर आया बाता अजब सुनाया असी यतीम मुहम्मद कोलों लगे करन जुदाया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका दी वादा फौत हो जांदियां ने उस अपवाना में मुकाम दे उत्ते दफन हो कर दिता जांदा है। अल्लाहु अकबर। हुण जदों मेरे आका करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजर जदों उस मुकाम ते हो जांदा है मेरे अल्लाह ने मेरे आका नूं नबूवत भी अदा कर दित्ती हुंदी है ते सहाबा इकराम भी नाल ने मेरे आका उस खबर उस टेरी रोन लग पे मेरे आका दे सहाबा आखते ने सोने ऐ दसो अकेरा शाना वाला सुता है अकेरा कर्मा वाला सुता है जिदी वजह करके सोने तुहानू रोन आ गए ने। मेरे आका नूं सहाबा इकराम पुछ रहे ने सोने ऐ ते दसोना है कौन ने तुसी ते रो रोंदे आ चुप कराने वाले अज तुहाडा भी हाल है बन चुकिया वे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ और कोई नहीं है मेरी मां आमना दी कब्र है। किदी कब्र है? मां आमना दी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम उस कब्र दी टेरी ते उत्ते खलो के ऐते आख नहीं होणगे ऐ अल्लाह सोनिया काश कि अज मेरी मां जिंदा होंदी अपने पेटे दिया सरदारियां वेखदी मां जिंदा होंदी मां नूं आखदे ते होणगे कि अल्लाह जेकर मेरी मां जिंदा होंदी अल्लाह मैनूं देखदी कि किवें तेरे पुत्तर नूं अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇਰਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਖਦਾ ਜੇ ਟੁਰ ਗਈ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਟੁਰ ਗਈ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜੇ ਟੁਰ ਗਈ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੂੰ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਸਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਤਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਤਾਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਲੁਰਾਵੇਗਾ ਰੁਲਾਵੇਗਾ ਸਤਾਵੇਗਾ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇਗਾ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਦਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੁਦੂ ਇਲਾ ਇਯਾਹ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨਾ ਇਮਾ ਯਬਲੁਗੰਨਾ ਇੰਦਕਲ ਕਿਬਰ ਅਹਦੁਹੁਮਾ ਔ ਕਿਲਾਹੁਮਾ ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫਿਨ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਇਆ ਅਨਿਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।